गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास वी आर डिस्कस्ड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज 24 होल 1/2 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क इक्वल टू 24 होल 1/2 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क। सो स्टूडेंट मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जब हमें किसी वन थिंग की वैल्यू गिवेन है और मोर थिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहां भी अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे, 24 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सो आफ्टर देन मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इजक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 4 इजक्वल टू 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 प्लस 3 196 रुपीज। सो स्टूडेंट ए कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क इक्वल टू 196 रुपीज। दिस इज आंसर 196 रुपीज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज गिवन। दिस कॉस्ट गिवन है आपको 24 होल 1/2 रुपीज एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क। आपको 8 लीटर मिल्क की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या जानते हैं बेटा, मैंने आपको किस 6th क्लास में भी समझाया था और 7th क्लास में भी मैंने अब आपको बताया था, जब हमें लेस देन वैल्यू मालूम है, सपोज वन हमें क्या है, वन थिंग्स की कॉस्ट गिवन है और मोर थिंग की कॉस्ट निकालनी है। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, इफ यू अगर आप कहीं मार्केट जाते हो और वहां क्या करते हो, बुक सेलर की दुकान से आप पेन परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, पेन। और पेन परचेज करने के लिए आप क्या करते हो, एक पेन परचेज करते हो वन पीस ऑफ पेन, और वन पीस आपका 5 रुपीज का है, कितने का है, 5 रुपीज का। तो बताइए 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो 5 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 5 5 5 को 5 टाइम ऐड करोगे, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इस तरीके से, तो वो कितना हो जाएगा 25, यानी 5 को आपने 5 टाइम ऐड किया तो वो क्या हो गया 25। या तो आप उसको 5 टाइम ऐड कर दो या उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम फ्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट वी आर सॉल्व द दिस क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इज 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट में अपन क्या करेंगे, 8 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमने 1 लीटर की जो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है उसमें क्या कर दिया, 8 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 8 लीटर की कॉस्ट फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन
सेवन क्वेश्चन इज ए बस रन 8 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर डीजल। क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है, बस रन 8 किलोमीटर इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर डीजल में 8 किलोमीटर रन कर रही है, तो बताइए फाइंड डिस्टेंस यूजिंग टू होल 3/लीटर डीजल। क्या है बेटा? डीजल। अगेन सेम थिंग एज अ क्वेश्चन नंबर 6, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 8 किलोमीटर। स्टूडेंट आप सभी के पास बाइक्स होंगी, कार्स होंगी, आई होप तो आपकी बाइक 1 लीटर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। आप उसमें 2 लीटर अगर डीजल डालते हैं, या जैसे मैं कहता हूँ कोई डीजल कार है आपके पास और डीजल कार 1 लीटर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अगर मैं उसमें 2 लीटर डीजल डाल देता हूं तो वो क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर चलेगी। यहां भी क्या कर रहे हैं अपन मल्टीप्लाई, तो यहां भी क्या करेंगे डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लीटर से कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 × 2³/4 इक्वल टू 8 होल, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 11/4 और 4 से 2 टाइम कट जाएगा और यहां आ जाएगा आपका 22 किलोमीटर। सो बस रन 22 किलोमीटर यूजिंग 2³/4 लीटर डीजल। दिस इज आंसर। ए बस रन 8 किलोमीटर इन 1 लीटर एंड फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग 2³/4 लीटर में, 2 होल 2³/4 लीटर में, 2 होल 3/4 लीटर में कितना बस रन करेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस यानी 1 लीटर की डिस्टेंस से जितने लीटर अपन से निकालना है, जितने लीटर का अपन को डिस्टेंस निकालनी है उतने लीटर का क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो आंसर इज 22 किलोमीटर, बस रन 22 किलोमीटर यूजिंग 2³/4 लीटर डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फेयर फ्रॉम जयपुर टू कोटा ₹160, टिकट, फेयर मीन्स टिकट या टिकट ही है, टिकट इज इक्वल टू ₹160 कॉस्ट ऑफ टिकट। कॉस्ट ऑफ यहां लिख देता हूं बेटा वन टिकट, फाइंड द फेयर ऑफ 4 होल 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/2 टिकट्स। आपको फाइंड करना है वन टिकट का कॉस्ट अपन को मालूम है 160 है और निकालना है 4 होल 1/2 टिकट्स का कॉस्ट। सो स्टूडेंट डियर स्टूडेंट वन टिकट की कॉस्ट जब हमको मालूम होती है तो अपन क्या करते हैं, जब मोर देन
टिकट की वैल्यू निकलवा रहा है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 160 मल्टीप्लाई 4 होल 1/2 इक्वल टू 160, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन 9/2 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 80 टाइम एंड 80 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 720 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/2 टिकेट्स इज 720 रुपीज। This is answer of question number 8. This is answer of question number 8. Next question is 9. Next question is 9. पेज टोटल बुक, ए बुक या टोटल पेज ऑफ बुक, टोटल पेज ऑफ बुक इज इक्वल टू 340। ममता हैज रीड 3/4 ऑफ द बुक। ममता रीड 3/4 ऑफ बुक। इस बुक का कितना पार्ट पढ़ लेती है, रीड कर लेती है 3/4। हाउ मेनी पेजेस डिड सी रीड, अब उसने कितना रीड कर लिया, हाउ मेनी पेजेस सी रीड। सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने इस तरीके के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किए थे 3/4 ऑफ अ बुक। तो बुक में कितने पेज हैं इस बुक में बेटा, उस बुक में कितने पेज हैं 340। सो 3/4 जो पेज रीड किए हैं ऑफ बुक, और बुक इज इक्वल टू यहां लिख देंगे बुक इज इक्वल टू 340 पेज गिवन है आपको, पेजेस गिवन है ये बेटा। और जब गिवन है इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 340, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम और ये उड़ जाएगा आपका 5 टाइम इज इक्वल टू 255 पेजेस। सो ममता रीड्स 255 पेजेस ऑफ बुक। ओके दिस इज आंसर, ममता ने 255 पेजेस रीड किए कितने पेजेस में से 340। इट मींस 340 का क्या है 3/4 पार्ट क्या है 255। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इज सीमा रीड्स अ बुक फॉर 2/4 आवर एवरी डे। एनी गर्ल नेम ऑफ सीमा, किसी भी लड़की का नाम क्या है, सीमा है, और वो क्या कर रही है बेटा, डेली स्टडी कर रही है किसी बुक की, और वो स्टडी करती है 2/4 आवर डेली एवरी डे स्टडी करती है वो। रीड्स द एंटायर बुक इन 16 डेज, अब वो क्या कर लेती है इस बुक्स को 16 डेज में कंप्लीट कर लेती है, रीड कर लेती है।
अब जो आंसर क्वेश्चन हमसे जो आंसर चाहता है वो क्या चाहता है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। इस बुक को यानी 16 डेज में जब सीमा ने कंप्लीट किया तो उसको कितना टाइम लगा, मतलब उसने कितने घंटे स्टडी की, तभी तो उसने भाई एक एवरी डे अगर आप सपोज करो 2 आवर्स किसी बुक को रीड करते हो, 2 आवर्स किसी बुक को रीड करो, अब 2 आवर्स रीड करने के बाद आप किसी बुक को 16 डेज में कंप्लीट कर लेते हो, तो 2 आवर्स के अकॉर्डिंग आपने कितनी आवर स्टडी की, 32 आवर्स, तो आपका आंसर क्या आया 32। तो यही तो पूछ रहा है भाई 16 डेज में उसने कितने आवर स्टडी की, जब वो डेली क्या करता था टू, जब वो डेली कितनी पढ़ाई करती थी, कितनी स्टडी करती थी, 2 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा रीड्स अ बुक फॉर एवरी डे। सीमा स्टडी टाइम एवरी डे इज इक्वल टू 2 होल 3/4 आवर एंड टोटल डेज, टोटल स्टडी डेज इज इक्वल टू 16 डे। फाइंड टोटल आवर ऑफ स्टडी इन 16 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 होल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, चेंज इन प्रॉपर फ्रैक्शन 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 से 4 टाइम इज इक्वल टू 44 आवर। सो सीमा रीड्स अ बुक 44 आवर इन 16 डेज। दिस इज आंसर। सीमा ने 16 डेज में कितने आवर स्टडी की बेटा, 44 आवर स्टडी की, तब जाके उसने उस बुक को क्या कर लिया, कंप्लीट रीड कर लिया। सो डियर स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज 2.2 आर फिनिश and next exercise is 2.3. in next video we are solve the exercise 2.3 exercise depend on division property of fraction. So student, you are read the division property and understand the division property. So thank you, have a good day.